हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशवानी टेक। तो आज हम खेल रहे हैं पबजी पीसी। तो ये किसी के कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने निकाल दिए, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े थे, ये तो नंगी होगी। चलो पहना देते हैं शर्ट। देखते हैं कहाँ उतरना है, तो यहाँ उतरते हैं। पता है क्या होता है, जब भी मैं मतलब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता हूँ ना, उस टाइम मेरे से खेलना नहीं जाता, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं जैसे ही ऐसे ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके खेलता हूँ ना, तो पता नहीं मेरे से अच्छा खेला जाता है। ये मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ मैं उतर रहा हूँ ना अभी, ये सबसे फेवरेट जगह है मेरी। तो यहाँ पे लगभग मेरे को सारी गन्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे कोई और बंदा भी नहीं उतरता, और सारी गन्स मेरे को ऑलरेडी मिल जाती है। और मेरी फेवरेट गन है इसमें SKS। AWM मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर फिलहाल SKS से मैंने बहुत ज़्यादा बंदे मारे हैं इस गेम में। तो बैग भी मिल गया, लेकिन लेवल वन है, लेवल 2 का बैग बाद में उठाते हैं। अरे कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे, तो हेलमेट तो पहन लेते हैं, लेवल 1 ही है। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए। यहाँ पे हर बार मेरे को मतलब मिलता है, जैसे मैं आज तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन चलो SKS मिल गई भाई, यही तो चाहिए थी, मज़ा आ गया। लेकिन इसके साथ स्कोप भी मिल जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा। रेड डॉट साइट है ये, क्या है, बैग है। चलो ये तो है कि SKS हमें मिल गई, एक गन तो मिली कम से कम। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों से भाई गन मजबूत हो जाती है। 3 टाइम स्कोप, यही तो हमें चाहिए था। तो ये लगाया हमने SKS पे 3 टाइम स्कोप। ग्रेनेड आया, चलो उठा लेते हैं इसे। कुछ नहीं है बाकी, तो बस 3 3 टाइम स्कोप मिल गया ना, अब तो मतलब बैंड बजा देंगे। बस एक बार स्कोप मिलने की देरी है, उसके बाद तो बस। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है भाई, कौन है कौन है कौन है कौन है, ये बैठा ये बैठा, आजा आजा बाहर आजा। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। देखते हैं क्या क्या लूट के लेके आए। एनर्जी ड्रिंक है बस, और तो कुछ नहीं है। वहां पे हो सकता है कोई बंदा, हल्की सी आवाज सी आई थी मुझे। बैंडेज लगा लेते हैं, थोड़ा सा मतलब इसने दे दिया हमें डैमेज, पर कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएंगे। चलो नीचे चल के देखते हैं।
जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, मेरे ख्याल से सेंटर होने वाला है ये, क्योंकि जो सर्कल है वो मेरी तरफ ही आ रहा है और ये सेंटर होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो सभी लोग यहीं पे आएंगे भाग के, ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मिल जाता है कई बार कुछ ना कुछ। ये क्या है? कुछ नहीं है। ये एक गड्ढा है पूरा, तो यहाँ पे दिख जाते हैं जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं ना, भागते हुए दिख जाते हैं। और नीचे है डेंजर जोन, नीचे चीज़ें तो मिल जाएगी पर खतरा बहुत ज़्यादा है नीचे, ऊपर ही चलना ठीक रहेगा। और पहले जो मैं थे ईयरफोन मेरे, तो उनसे पता नहीं चलता था प्लेयर्स का फुटस्टेप, इतने क्लियर नहीं आते थे, लेकिन जब से हेडफोन लिए ना भाई, सच मानो मतलब झूठ नहीं बोल रहा, मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अरे आवाज़ आ रही है, मेरे मुझे ही मार रहा कोई गोली, यहाँ से आ रही है आवाज़। ये आवाज़ तब आती है जब आप ज़मीन पे गोली मार रहे हो। वो रहा वो रहा वो रहा, अरे लग क्यों नहीं रही गोली, हेडशॉट होना चाहिए था। भाग रहा है भाग रहा है, कोई बात नहीं। सेम, अरे 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 उसके पास पक्का कोई स्कोप नहीं था, स्कोप होता तो वो मार देता मुझे अब तक, पर लकीली मेरे पास स्कोप था तो मैंने मार दिया उसे। और मैं बता देता हूँ, मैं नूब हूँ इस प्लेयर में, इतना खेलना नहीं आता मुझे, पर सीख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सीख जाऊँगा एक दिन। स्कोप था वैसे इसके पास 3 टाइम्स, बढ़िया बंदूक दे गया बंदा, गोलियां भी है। टैक्टिकल स्टॉक नहीं, हाफ ग्रिप चल जाएगी। 3 टाइम स्कोप लगाते हैं पहले, तो पेन किलर ले लेते हैं। ये भी लग गई, ये भी लग गई। अच्छा ठीक है, जो हाफ ग्रिप होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिकॉइल को एडजस्ट करती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इससे, हाफ ग्रिप से काफ़ी इफेक्टिव है। अगर हाफ ग्रिप मिल जाए ना तो आपकी जो शूटिंग एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, ये मैंने नोटिस किया है। जो वर्टिकल ग्रिप है ना उसमें भी इतना मुझे खास लगा नहीं, लेकिन जो हाफ ग्रिप है उससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है वेपन को। अभी जाते हैं हम नीचे, देखते हैं क्या है। वैसे तो मैं गलत जगह खड़ा हूँ, इजीली मुझे डिटेक्ट कर सकते हैं लोग। तो अगर दूसरा बंदा गोली मारेगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा ना, तो ये फायदा है। और इस गेम में रुक गए ना आप, बैठ के बैठ गए या रुक गए कहीं पे, तो समझ लो हेडशॉट लग ही गया आपको। और हमेशा ये सोचिए कि आपको कोई देख रहा है इस गेम में, अगर आप ये चीज़ें सोचेंगे ना तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई मुझे देख रहा है, तो उस नज़रिए से मैं खेल रहा हूँ, तो आवाज़ तो नहीं आ रही। वैसे कोई है नहीं यहाँ पे, मे बी कोई दूर से मुझे देख रहा हो, पर नज़दीक से कोई नहीं अभी तक। दूर से AWM बहुत रेयर चांस होते हैं किसी के पास हो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और सर्कल भी लगभग यहीं पे आ सकता है सर्कल, क्योंकि नीचे तो वो था, क्या बोलते हैं, नीचे तो समुद्र है, तो सर्कल वहाँ वहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और लगभग मैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, जो जोन है उसके बीच में खड़ा हूँ, और यहीं पे आ सकते हैं एनिमी, तो मुझे लग रहा है जैसे कुछ आ रहा है यहाँ पे।
हल्के हल्का सा अंदाज़ा हो रहा है। पता नहीं कुछ लगा मुझे जैसे कोई आ रहा है। और ये झाड़ियाँ हैं ना, ये झाड़ियाँ कंफ्यूज कर देती हैं कई बार। अरे अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। यहीं से, यहीं, यहाँ, यहाँ से। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। भाई जब से हेडफोन लिया ना, तब से एकदम मस्त मज़े आ रहे हैं। पता चल जाता है कहाँ से आ रहा बंदा। देखते हैं कोई और तो नहीं आ रहा, क्योंकि हाफ करीब गोलियां मिल गई 7.62 mm की। बस बैग फुल हो गया। ये सेफ जगह है बिल्कुल, जो भी मैं खड़ा हूँ ना। जो बॉम्ब गिर रहे ऊपर से, इनसे मैं कभी नहीं डरा आज तक, क्योंकि कभी गिरे नहीं मेरे ऊपर ही आज तक। तो जिस दिन गिरेंगे उस दिन से डरना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो नहीं गिरे। आएंगे यहीं पे लोग, क्योंकि ये हाइट है ना, तो यहीं पे आने की कोशिश करेंगे लोग, नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेंगे, ताकि ऊपर से इजीली निशाना लगाया जा सके नीचे वालों पे। कोई आ रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे 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 भाग गया। अरे 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 जल्दी। मर गया। बैंडेज है इसके पास, गोलियां हैं। देखिए बॉम्ब से पता नहीं चलता यार कोई पास आ रहा है या नहीं। बंद हो गई बमबारी। अरे अरे वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। दिख गया, दिख गया, दिख गया। आओ हमारे पास आओ। और ये जो है निकल के आ रहा है। गया हेडशॉट। ये बात, मेरी फेवरेट गन बन चुकी है SKS। डैमेज बहुत ज़्यादा देती है। एक म्यूटेंट भी है, म्यूटेंट 4.47, वो भी अच्छी गन है। इन गन की एक खासियत ये है कि आप इसमें कितना भी बड़ा स्कोप लगा सकते हैं, 8 टाइम्स भी स्कोप लगा सकते हैं इसमें। राइफल का काम करती है, स्नाइपर का काम करती है अगर स्कोप मिल जाए तो। देखते हैं इसके पास क्या है। फर्स्ट एड किट तो बहुत सारी पड़ी है यार, वैसे फुल हो गया बैग। और तो कुछ है नहीं, बैंडेजेस हैं, बैंडेज तो पड़ी हैं। चलते हैं वापस ऊपर। ये हाइट है, यहाँ पे ही आएंगे सब। आएंगे तो नीचे कोई नहीं रुकेगा, और सर्कल मेरे ख्याल से यहीं पे आके ख़त्म होगा। तो मेन हमारा स्टॉप पॉइंट यहीं पे है। मे बी यहाँ पर कोई हो, नीचे तो कोई मुश्किल से ही आएगा। कोई जिसने मरना होगा ना वो जाएगा इस तरफ, लेकिन इस तरफ से कोई बंदे आ सकते हैं। वहां से कोई, देखते हैं। पहले मैं 1080p में खेलता था गेम, पर जैसे ही मैंने 1440p में स्विच किया ना रिजोल्यूशन को, तब से बहुत दूर से ही डिटेक्ट हो जाते हैं।
और सेटिंग मैंने इसमें वेरी लो कर रखी है बिल्कुल, और रेंडर स्केल पूरा कर रखा है जितना हो सके। जितने ज़्यादा इसमें ग्राफिक्स बढ़ाएंगे ना, उतने ज़्यादा इसमें टेक्सचर बढ़ेंगे और एनिमी डिटेक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। तो आप इसमें मिनिमम क्वालिटी रखें ग्राफिक्स की, और रिजोल्यूशन जितना हो सके उतना बेहतर है। 80 to 90 फ्रेम पर सेकेंड बहुत हैं। दूर से गोली आ रही है यार, लेकिन काफ़ी दूर से आई है गोली, वो आई तो है पर बहुत दूर से आई है कहीं से, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता। गोलियां चल रही है उस तरफ से, काफ़ी दूर है पर इसलिए पता नहीं चल रहा, वहीं से आ रही शायद। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल सेफ एरिया है, बंदों को मैं नहीं दिखूंगा लेकिन मेरे को बंदे दिख जाएंगे यहाँ से। अरे कौन 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 हो रहा, अरे अरे झाड़ियाँ कन्फ्यूज़ कर देती है। उसने पता क्या गलती कर दी, इसने इसने मेरे पास मोलोटोव फेंक दिया, और उस समय मेरे को टाइम मिल गया इसको मारने का। और कोशिश करना है, कोशिश ये करता हूँ मैं कि मैक्सिमम मतलब गोलियाँ चलाता रहूँ उसके ऊपर, वो वहीं पर फ्रीज हो जाएगा, वो गोलियाँ खाता रहेगा और मर जाएगा। उसको 1 सेकेंड भी दे दिया ना तो वहाँ से भाग लेगा वो, और हमारा जो एम है ना वो चूक जाएगा फिर। अरे कोई मार रहा है कहीं से, तो आई गोलियां, देखते हैं कहाँ से आ रही है। अब नहीं आ रही, मतलब उसी तरफ से है वो बंदा कोई, तो वहां से शायद, हाँ उसी तरफ से है कोई बंदा, क्योंकि अब तक गोलियां आ जाती तो यहीं पे हो सकता है। यहाँ भी नहीं है यार, कहाँ से आई है, गोलियां भी नहीं मार रहा वो, तो कहाँ हो सकता है वो। यहाँ भी नहीं है, तो मेरे को वो देख रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन मुझे वो नहीं दिख रहा। ये बहुत चिंताजनक बात है। वो मेरे को देख सकता है, मैं उसको नहीं देख सकता। उसको मेरी लोकेशन पता है लेकिन मुझे लोकेशन उसकी नहीं पता है, यही चीज़ है जो इस गेम में डरावनी है। पर गोलियां भी नहीं चला रहा। अरे 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 कोई आया, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। हेडफोन है भैया हमारे पास बढ़िया वाले, इस बार नहीं मरेंगे। आवाज़ें आ जाती हैं हमें, कहाँ से आ रहा बंदा। अरे कोई है, एक और एक और एक और एक और, बहुत बढ़िया। सोने पे सुहागा, इजीली मार सकता था मेरे को पर पता नहीं क्यों नहीं मारा उसने। मैं उस साइड चला गया था शायद, कवर ले लिया था मैंने, देख नहीं पाया, या फिर सोच रहा होगा कि इसको आराम से मारूंगा, तो शायद इस बार मेरे को चिकन डिनर मिल जाए, उम्मीद तो यही है। कोई प्रो प्लेयर बंदा होगा ना, वो तो मार ही देगा भाई, उसके आगे नहीं टिक पाएंगे। ये प्रो प्लेयर नहीं थे, मेरे जैसे ही थे ये। वहाँ मैं देखते हैं यार, यहीं पे हो जाए कुछ, रेयर चांस है यहाँ से कोई आ जाए बंदा, दूर होगा तो भी नहीं मार सकते उसको। और सर्कल आ रहा है तो बच बच के खेलना पड़ेगा। कोई आ, कोई आ रहा, अरे वो रहा वो रहा, येलो येलो कपड़ों में, रिलोड कर रहा है। अब मारते हैं ये,
मजा आ गया। वो रिलोड कर रहा था तो उस टाइम मैंने मार दिया उसको। तो ये स्ट्रेटेजी सच में काम आती है भाई, सही में बिल्कुल मजा आ गया। उसको वेट करें गोलियां खत्म होने का, जैसी वो रिलोड करे ना तो उसी टाइम उस पर गोलियां मारना स्टार्ट कर दो, फिर तो उसका मरना तय है। कवर ले लो पहले, उसकी गोलियां खत्म होने तक कवर लेते रहो, और जैसे ही वो रिलोड करने लगे तुरंत गोलियां बरसा दो, सामने वाला बंदा ढेर हो जाएगा। ये पड़ा, वैसे सही कपड़े पहन रखे इसने, डिटेक्ट करना मुश्किल है। येलो वैसे डिटेक्शन इजी है, तो ये ले लेते हैं एक्सटेंडेड बैग, एनर्जी ड्रिंक। अरे कोई मार रहा है पीछे, मेरे पीछे है, पीछे है मेरे, देखो वहाँ गोली लगी, पीछे से कोई है, वहाँ से आ रही है, पर काफी दूर है, स्कोप नहीं उसके पास बढ़िया वाला। देखते हैं कहाँ से आ रही है गोलियां। अब नहीं मारेगा गोली वो, क्योंकि उसको पता है अब मुश्किल से चलाएगा, जब बाहर निकलती गोलियां मारेगा तो नीचे से जाना सेफ रहेगा। है वहीं पे सामने जो बिल्डिंग है ना, है वहीं पे, वहीं पे, वहीं पे है, छुपके बैठा है छुपके। पर है तो वो थोड़ा ठीक ठाक प्लेयर, क्योंकि बेफालतू की गोलियां नहीं चला रहा वो। आवाज आई, आवाज आई, ये री, तो हम नहीं मारेंगे इसको, क्यों फालतू में लोकेशन बताई खुद की। अरे अरे अरे, भाग 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 भाग, शुक्र है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ये जो जोन है ना सर्कल के बाहर ही मर जाता हूँ मैं हमेशा, पर इस बार नहीं मरूंगा सर्कल के बाहर। इस बार टाइम होते ही भाग लूंगा मैं। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता यार, ये गड़बड़ कर दी, अब मुश्किल है चिकन डिनर मिलना, क्योंकि पहले ही जाके पोजीशन जिसने ले ली ना सर्कल के अंदर उसको ही चिकन डिनर मिलेगा। वो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, वो देखो सामने बिल्डिंग, वो एकदम परफेक्ट पॉइंट है जहाँ पे आप बैठ के आराम से मार सकते हो, पर मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। और सर्कल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो भागना ही पड़ता है फिर तो, और वो मार देते हैं फिर हमें। तो गोलियाँ की आवाज़ आ रही है वहीं से, तो मैं भाग सकता हूँ। वो मेरे ख्याल से कहीं और लग गया, कोई और एनिमी आ गया होगा उसके पास, तो अब तक तो गोलियां मार देता वो मुझे, पर नहीं है। चलते हैं, चलो नीचे से चलते हैं यार, थोड़ा कवर भी मिल जाएगा। वैसे वो बंदा था तो यहीं पे यार, दिख जाए तो भी नहीं मार सकते, कवर ले लेगा। हेडशॉट लग गया तो अलग बात है। बाकी यहाँ पे कोई बंदा होगा तो उसे मार सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई आ जाए तो मर जाएगा वो, लेकिन ऊपर नहीं मार सकते। कवर वाले बंदे को मारना बहुत मुश्किल है, जिसने कवर ले लिया वो बच गया, बाकी तो फिर अब क्यों नहीं मार रहा गोलियां बे, बता दे कहाँ पे है तू। गन हमारे पास एक से बढ़ के एक है, पर AWM नहीं है। अरे दिख जा भाई, दिख जा,
कम से कम पता तो चले तू यहाँ पे है, ताकि मैं भी कवर ले सकूँ बिल्डिंग में जाके। पर रिस्क नहीं ले सकते भाई। ये झाड़ियाँ कंफ्यूज करती है यार, ऐसा लगता है कोई बंदा बैठा है। वो सामने घर है ना, वहां से आ सकता है कोई, पर सामने घर है ना तो वहां से कोई आ सकता है भाग के, अगर छुप के बैठा हो तो। आवाज आ रही है गोलियों की, तो ऊपर देखते हैं। कोई प्रो प्लेयर बच गया होगा ना लास्ट में, तो फिर मेरा मरना तय है, नहीं तो इस बार चिकन डिनर ही मिलेगा। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बग्गी चला रहा कोई, मुझे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं यार ये। मैं भाग रहा हूँ इतनी देर से, पर इसलिए भाग रहा हूँ ताकि कोई हेडशॉट ना मार दे। वहाँ हो सकता है कोई बंदा, चलो कोई बात नहीं। पहले से हेल्थ कम थी इस बंदे की, तीन गोलियों में ही निपट गया। तो लगभग 10 किल शायद हमने ले चुके हैं इस बार। मैंने इसमें मैक्सिमम 11 किल लिए हैं अब तक, 11 या 12 किल ऐसा कुछ लिए हैं, पर मेरे को कभी चिकन डिनर नहीं मिल पाया। एक बार तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं सन के बाहर ही मर गया, तो जो सर्कल है वो यहाँ तक ही आएगा, तो ये सेफ एरिया है जब तक सर्कल है, लेकिन उसके बाद फिर तो भागना ही पड़ेगा भैया आगे की तरफ। कहाँ हो भैया, यहीं तक आएगा सर्कल, फिर आगे तो भागना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। मैं वहीं पे रुका रहना चाहिए था, मेरे को तो किल नहीं मिलते पर मेरे को चिकन डिनर मिल जाता। ट्रैक्टर के नीचे से गोली आ सकती है, तो यहाँ पे छुप जाते हैं। टेक्सचर देखो ट्रैक्टर के कैसे हो रखे हैं। अरे कोई दिखा शायद, नहीं कोई नहीं था वहाँ पे, लगा मुझे कोई है, पर है वहीं पे है। चलो, अरे कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, यहीं पे कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। दिल की धड़कन तेज हो गई, भाग गया, भाग गया शायद, भाग गया। अरे अरे क्या हो गया यार, वो कोई और बंदा था वो, शिट, मुझे लगा वो गाड़ी लेके अच्छा यहाँ छुप के बैठा था, मुझे लगा गाड़ी लेके भाग गया वो। शिट यार, गलती कर दी, ये था बंदा, मुझे लगा गाड़ी लेके भाग गया वो। चलो कोई बात नहीं, वैसे अच्छा मैच था, मजा आया खेलने में।
वैसे प्रो प्लेयर लग रहा है ये थोड़ा सा, AWMS के पास चूक गया, बेवकूफ है वो, बॉगी चला रहा है। हो गया मैच खत्म, अभी रहते हैं वैसे, कर देते हैं चेक, कर देते हैं। मेरे को लग रहा है जैसे इसको लोकेशन पता रहती है कौन कहाँ से निकलेगा, तो रिपोर्ट कर देते हैं। चलो नहीं हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना भाइयों, ऐसे ही गेम प्ले वीडियो लेके आते रहेंगे मज़ेदार। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।